मैं मानसी धामने और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज। आइए नजर डालते शहर की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। उल्लासनगर 3 स्थित सिंधु यूथ सर्कल में चेटीचंद जी शाम झूलेलाल जी नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कई गणमान्य लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। इसी के साथ साथ सोनू छापरू जी को बेहतरीन कलाकार का अवार्ड भी दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं उल्लासनगर 3 स्थित सिंधु यू सर्किल में, जहां पर चेटी चंड जी शाम झूले लाल जी नाम प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम धूमधाम से मनाया गया। हमारे साथ मौजूद है श्री सुंदर डिंगवाणी जी, हम उनसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। सर, आप हमें बताइए, ये चेटीचंद का कार्यक्रम आप कितने सालों से मनाते आ रहे हैं और इस साल आपने कैसे मनाया ये प्रोग्राम? यह संस्था जो है 54 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे सिंधी लोगों की वर्ल्ड में बड़े से बड़ी संस्था है, और हम 54 इयर्स से ही झूलेलाल को मानते हुए इधर प्रोग्राम करते आ रहे हैं। लेकिन गुजरे 20 साल से हम बहुत ज़्यादा धूमधाम से कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से झूलेलाल का जो मेला इधर लगाते हैं, और यहाँ जो है दुबई से, थाने से, मुंबई में से और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती है। और इस मौके पे हम जो हमारी सिंधी जाति में बहुत अच्छा काम किया है उनको हम अवार्ड्स भी देते हैं, अलग अलग फील्ड में जो अवार्ड देते हैं। यहाँ हमारे यही एक सिंधु यू सर्किल पार्टी है जहाँ हम लोग सिंधी साहित्य का सर्जन होता है, और हमारी लाइब्रेरी जो है पूरे वर्ल्ड में बड़े से बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ आदमी जिसको भी सिंधी में रिसर्च करना रहता है वो यहाँ आता है, और यह हमारी बुक बैंक भी जो है सबसे बड़े से बड़ी है। झूलण जे दर ते जेके भी हिते ईंदा आहिनि उन्हनि जूं आशीर्वाद पूरी थींदियूं आहिनि। हम झूलेलाल को मानते हैं, जो झूलेलाल की हम पूजा करते हैं, और चेटीचंड के समय में हम लोग यहाँ यह प्रोग्राम करते हैं और सब सिंधी लोग यहाँ आके हम सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में कितने लोगों को अवार्ड दिए गए? ये साल हमने 10 अवार्ड दिए हैं अलग अलग फील्ड में, और हर साल हम लोग कलाकारों को प्रोत्साहन करने के लिए अवार्ड देते हैं। और इस टाइम पे हमने जो है टीवी मंच जो है, मंच टीवी है, उनको भी हम आज अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि वो उल्लासनगर के बहुत ही प्रॉब्लम्स को और कला के जो भी हैं इश्यूज़ को वो दिखाते हैं। और उल्लासनगर में ये हमारा जो जिनते असांखे नाज़ आहे अहिड़े क़िस्म जो जेको एपिसोड ठहियो आहे उहो ॾेखारनि था पिया, ऐं मंच टीवी जे ज़रिए उहो असांजे सिंधियत जो, ख़ासि करके रेखा ठाकुर जेका आहे सिंधियत जो प्रचार करे पई थी, असांखे उन ते ॾाढो नाज़ आहे ऐं असांखे उमेद आहे त उहा अञा कमु कंदी रहंदी। ऐं जेको सिंधु मेला बि हलाए थी पई, असांखे अहिड़नि शख़्सियतुनि ते नाज़ आहे ऐं अहिड़नि शख़्सियतुनि जो असांजो जेको सन्मान कयो आहे, असांखे नहायत ई ख़ुशी। उल्लासनगर 1 स्थित छापरू हॉल में पानी की समस्याओं को देखते हुए टीम ओमी कलानी द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया, साथ ही साथ एक बोरवेल का भी उद्घाटन किया गया।
आज के दिन बड़ा शुभ दिन है हमारे वार्ड के लिए। ये जो शहर में पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हुई है, इसके लिए मैं मेरी पूरी टीम ओमी कालानी इस वार्ड में लगे हुए हैं। कहीं से भी क्या व्यवस्था हो सकती है, बोरिंग, मोटर, पानी, प्राइवेट लाइन या टैंकर, तो आज के दिन हमने यहाँ पे मुहूर्त रखा है। एक तो हमारे यहाँ पे जो 5 बिल्डिंगें हैं उस पोर्शन में पानी का ज़बरदस्त प्रॉब्लम था। मीरा अपार्टमेंट, सरला सदन अपार्टमेंट, गणपति अपार्टमेंट, कुमार अपार्टमेंट और हैप्पी होम अपार्टमेंट, तो आज हमने यहाँ पे सर्वे कराई थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छा पानी होने की संभावना दिखाई गई सर्वे में। तो आज हमने एक बोरिंग का उद्घाटन किया प्राइवेट, और उसमें से सबको परमानेंट लाइन निकाल के देंगे। जितना पानी होने की संभावना है तो लग रहा है वहाँ से बहुत पानी निकलने वाला है, 24 घंटे पानी निकलने वाला है। तो कोशिश ये रहेगी कि आस पड़ोस के और 4-6 बिल्डिंगों को उसमें कवर करें और अच्छे से सबको पानी मिले। आज हमारे बगल में एक कला निवास बिल्डिंग में भी बोरिंग की गई, ये हमारे सब साहबान खड़े हैं। तो इस तरीके से जिस भी पोर्शन में पानी का प्रॉब्लम है हमारे पैनल में, हमारे वार्ड में, तो हमारे तरफ से कोशिश है। आज हमने ओमी कालानी जी के हाथों मुहूर्त करवाया है और अभी मशीन लगने वाली है। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जोरदार पानी निकले और सबका पानी का प्रॉब्लम साल हो सके। शुक्रिया। झूले लाल। आज यहाँ पे हमारे राजेश टेकचंदानी जी ने और टीम ओमी कालानी ने आके यहाँ पे बोरिंग का मुहूर्त किया हुआ है, और इस बोरिंग से हमें उम्मीद है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। और जो 5 बिल्डिंग हैं हमारे राजेश टेकचंदानी जी ने बताई, उन 5 बिल्डिंगों को पानी कवर करके देंगे, और उसके बाद भी ज़्यादा पानी निकला तो ज़्यादा बिल्डिंगों को कवर करके देंगे। ऐसे हमारे राजेश टेकचंदानी की सफल कोशिश है, जो कामयाब होगी हमारी आशीर्वाद है उनके साथ। हर साल की तरह इस साल भी उल्लासनगर 3 स्थित थारिया सिंह दरबार में भाई साहब मेहरवान सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 20 अप्रैल से लेकर 1 जून तक इच्छापूर्वक 40 दिन की शुरुआत होने जा रही है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। बोल गुरु नानक देव की जय। सबसे पहले तो धन गुरु नानक दरबार का शुरू से ही एक महत्व रहा है। संत बाबा थारिया सिंह साहब जी का संदेश था, संगत को अपने आप से न जोड़ के गुरु नानक देव जी से जोड़ना है जी। गुरु ग्रंथ साहब से जोड़ना है। तो जन्मदिन तो एक बहाना है। जपजी साहब इच्छापूर्वक 40 दिन 20 अप्रैल से 1 जून तक काफ़ी सालों से ये मेला भाई साहब होते थे तभी भी मनाया जाता था। उनका जन्म 1 जून को आता है, वैकेशन 20 अप्रैल से शुरू होते हैं और जून में ख़त्म होते हैं। तो विशेष रूप से संगत ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति का लाभ ले, 20 अप्रैल रात को 9 बजे श्री जपजी साहब जी के पाठ शुरू होंगे जी। और 1 जून रात को 9 बजे जपजी साहब जी के अखंड पाठ साहब के भोग पड़ेंगे। जो 13 पाठ हम लोग रखेंगे वो हिंदी में रखे जाएंगे, जैसे आम संगत सब इसके पाठ कर सकते हैं। और गुरुद्वारे में ये 13 पाठ रखने का कारण ये है, जब भी ये पाठ 20 तारीख को शुरू होते हैं तो जो संगत 13 लोग बैठ के ये पाठ करते हैं, और आज 20 अप्रैल से 1 जून तक जब तक ये पाठ चलेंगे, लाखों करोड़ों में जपजी साहब जी के पाठ होंगे, तो जो इस महायज्ञ में बैठ के पाठ करेगा उसको उतने पाठों का फल मिलेगा जितना पूरी संगत बैठ के कर रही है। और इसके अलावा ये 40 दिन आप वैकेशन है, बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे 19 तारीख को दरबार साहब में सुबह से लेके रात तक जपजी साहब एक छोटे से पोथी में बना हुआ है, 10-15-20 पेजेस हैं, आपको दरबार साहब से दिया जाएगा। आप जितने दिन दरबार में आ सकते हो, बाकी दिन आप जहाँ जो भी शहर में रहोगे वहाँ पे जपजी साहब पाठ करके ये चालिया साहब कायम कर सकते हो। उसके अलावा जो दरबार नहीं आ सकते हैं, जो भी विश्व जहाँ पे भी है यहाँ पे पाठ करेंगे तो सबका आपको फल मिलता है, पर ये फल लागू है, आप इसको पढ़ें जहाँ भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट है भाई, आप ये 40 दिन पाठ करें इच्छापूर्वक, गुरु नानक देव जी सबकी खुशहाली लाएंगे और सबके कार्य सफल करेंगे। और ये दरबार का सबसे बड़ा नियम है, यहाँ पे गुरु नानक देव जी की प्रथा है, भजन और भोजन, नंगर और कीर्तन दोनों बड़े पैमाने पे चलने चाहिए। तो हमारे भाई साहब जी की इच्छा थी, भाई साहब मेहरवान सिंह साहब जी की, यहाँ पे 24 घंटा लंगर चले, तो ये भी साल में 2 बार गुरु नानक देव जी का जन्मदिन 40 दिन, और अभी ये एक वेकेशन स्पेशल जालिए में भी यहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है, संगत बहुत बड़े पैमाने पे आनंद लेती है।
सुपरस्टार परेश जामनानी जी के जन्मदिन के उपलक्ष में फातोआ भगवान की टीम की तरफ से बच्चों के लिए कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है, जहां फातोआ भगवान मूवी से मशहूर गाना वारे सिंधी गाने पर बेहतरीन डांस करने वाले बच्चे को इनाम में स्मार्ट वॉच फोन दिया जाएगा, जो हूबहू उन्हीं के अंदाज में नाचेंगे। इसी के साथ साथ आने वाली फिल्म में परेश जामनानी मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। आइए देखते हैं छा खपे की फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर। ये कॉन्टेस्ट 5 मई तक चलेगा। अन्य जानकारी और इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। उल्लासनगर 3 स्थित मास्टर रंजन सिंधु भवन में हर महीने के तीसरे रविवार को सिंधी म्यूजिकल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जहां इस महीने की 17 तारीख को भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वशंचा दरबार के साई कालीराम जी भी इस बार इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ओम जी बेड़ी अथई बिच सीरते, मुझी बेड़ी अथई बिच सीरते, पलो पाया थी मां जिंद पीरते, पलो पाया थी मां जिंद पीरते। ओम जी बेड़ी अथई बिच सीरते, मुझी बेड़ी अथई पलो पाया थी मात दबीर दे, पलो पाया थी मात दबीर दे। आओ तुझी बानी तुम जो साई, आओ तुझी बानी तुम जो साई, देवाहन जो वसी लो तू आई, देवाहन जो वसी लो तू आई। मत जिया थी तुझी उकीर दे, मत उल्लासनगर 1 स्थित गोल मैदान परिसर में साधु वासवानी टावर के रहवासी और पंकज त्रिलोकानी जी के सहयोग से बोरवेल का उद्घाटन किया गया, जहां टीम ओमी कलानी भी मौजूद थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष में बाइक रैली निकाली गई। भारतीय घटने शिल्पकार बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांच्या 125 जयंती निमित्त बुद्धिस्ट ग्रुप तर्फे बाइक रैलीचे आयोजन करण्यात आले। सदर बाइक रैलीमध्ये हजारो शेकडो मुलांनी सहभाग घेतला आणि आमचा बाइक रैलीचा प्रोग्राम सक्सेसफुल केला। सदर कार्यक्रमाला रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते देखील उपस्थित होते। तरी त्या सर्व कार्यकर्त्यांचे आम्ही आभार मानतो। सर्व नागरिकांना 125 जयंती निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। 125 भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 जयंती निमित्त सर्व रहिवासींना व नागरिकांना जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय भीम जय भारत। इसी के साथ साथ आइए देखते हैं किस तरह 125वीं बाबासाहेब आंबेडकर जयंती शहर में मनाई गई। भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब यांची 125 जयंती निमित्त बुद्धिशिवा ग्रुप तर्फे आपल्या अंबरनाथ विधानसभेचे आमदार बालाजी केणेकर साहेब आलेले आहेत। त्यांचे आपल्या मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत। 125 जयंती निमित्त भारतीयांमध्ये सगळंच साजरे करत आहेत, तरी जयंतीच्या सगळ्यांना भारतीय नागरिकांना सगळ्यांना शुभेच्छा। जय भीम जय भारत। महामानव भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या
125व्या जयंतीनिमित्त सर्वांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. ही जयंती खरोखरच सगळीकडे माझ्या मतदारसंघामध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. सगळे गलोगली प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये घरामध्ये एक उत्साहाचं वातावरण होऊन बाबासाहेबांच्या आमच्या जयंती साजरी करतात. सर्वांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. सर्वांनी ही जयंती शांततेने आणि आनंदाने साजरी करावी हीच एक विनंती करतो. जय परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त तर दरवर्षी आम्ही बुद्धिस्ट युवा ग्रुपतर्फे दरवर्षी आम्ही प्रोग्राम हे करतो आपलं साजरा करतो. तर हजारो लोकांनी यावर्षी 125व्या जयंतीनिमित्त तर हजारो लोकांनी सहभाग घेतला आणि एकदम त्यांनी सहकार्य केलं म्हणून धन्यवाद. सालावरप्रमाणे यावर्षी बुद्धिस्ट युवा ग्रुपने मोठ्या प्रमाणात रॅली काढली होती. प्रभागातील सर्व मान्यवर व्यक्ती आणि सगळ्या लोकांनी सहभाग घेतला होता. आमच्या बुद्धिस्ट युवा ग्रुपतर्फे याही वर्षी भव्य दिव्य रॅली साकारण्यात आली. याही रॅलीला भव्य प्रतिसाद मिळाल्याबद्दल धन्यवाद. परमपूज्य डॉक्टर आंबेडकरांचा विजय. हर साल की तरह इस साल भी उल्लासनगर 4 स्थित न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज व हाई स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया है. आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी. हमारे साथ मौजूद है न्यू इंग्लिश हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री प्रकाश गुनानी जी. हम उनसे जानना चाहेंगे समर कैंप के बारे में. सर आप हमें बताइए, इस साल जो आप समर कैंप आयोजित करने जा रहे हैं तो बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज आप सिखाएंगे? इस साल जो हमने हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जो है ना समर कैंप रखा है हमने और बहुत कुछ करने जा रहे हैं. और देखा होगा आपने कि लास्ट 10 सालों से हम न्यू इंग्लिश जो है समर कैंप का आयोजन करता है, क्योंकि जो बच्चों की जब जैसे ही वैकेशन स्टार्ट होती है तो बच्चों को कुछ करने का मौका मिल जाता है. वो इंतज़ार रहता है कि हमारे एग्ज़ाम पूरे हों, जो लोड है पढ़ाई का ख़त्म हो और हम कुछ खेलना चालू करें. तो ये समर कैंप का आयोजन आप देख रहे हैं कि लास्ट कुछ सालों से जो है जब से मोबाइल आए हैं खाली बच्चों मोबाइल पर बैठ के एक्टिविटीज़ करते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं. आज हमारा जो देश है पूरा डायबिटीज़ से फैला हुआ है, क्योंकि जो बच्चे हैं खेल कूद में नहीं है. आपने देखा होगा यंग एज में ही उनको डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं. तो बच्चों को खेलने थिरकने और हमारे में जो अभी आज देखेंगे स्पोर्ट्स में देखो आपको रनिंग करना है वॉक करना है, तो बच्चा रनिंग नहीं करता है वॉक नहीं करता है घर के अंदर बैठा रहता है. तो एक डांस भी एक शारीरिक जो है व्यायाम है. और हमारे जो समर कैंप में बहुत कुछ आइटम्स हैं जिसमें बच्चे को शारीरिक थकावट आती है जिससे उसका खून जो है ब्लड उसके शरीर में दौड़ता है और उसको बहुत कुछ फ़ायदा होता है. जैसे आप देखेंगे कि डांस है, जुम्बाज है, उसके बाद स्केटिंग है, क्रिकेट्स है, बहुत कुछ आइटम जो है, स्पीकिंग है, सिंगिंग है, कुछ बहुत ही हटके प्रोग्राम्स किए हुए हैं. ये हमारे शंभू सर और हरीश सर और करण सर द्वारा ये आयोजित की जाती है हर साल और बहुत सालों से ये समर कैंप हो रही है और उसका फ़ायदा उठाते हैं. हेलो फ्रेंड्स, आर्किटेक्ट नेहा चांगरानी है. मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि न्यू इंग्लिश हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया है, जिसे 2 साल हो चुका है. अभी ये तीसरा साल हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं. जो भी बच्चे 10th के बाद डायरेक्ट जॉब जाना चाहते हैं बट उन्हें कोई भी करियर ऑप्शंस मिलता नहीं है, तो वो बच्चे यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एनरोल हो सकते हैं. उनका 11th-12th भी हो सकता है, प्लस इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स भी उनका हो जाएगा और उसके बाद वो किसी भी आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर के अंडर काम कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल. उल्लासनगर 5 स्थित साई लखजीवन गोल्ड गौशाला में एकादशी के उपलक्ष में सत्संग का आयोजन किया गया. आइए देखते हैं. इन वक्त असा मौजूद हूँ उल्लासनगर 5 स्थित साई लखजीवन गोट गौशाला में, जिते एकादशी के उपलक्ष में मध्य प्रदेश कटनी जा संत अची सत्संग कीर्तन कयो. अचो ते ना बारे में वधिक जान वटूं. असा सा गन मौजूद हैं दिलीप पुरसवाणी जी. सर अजो जे एकादशी जे उपलक्ष में जको प्रोग्राम रखियो है उन जे बारे में पूरी जान दींदा. अज एकादशी ढी अस गौशाला में एकड़ो खास प्रोग्राम रखा कटनी का संत घुराए हैं. जो एकादशी ढीं सुठो प्रवचन कन इन गडो गड अस शेवादारियों जो सम्मान भी रखो है, वो भी असं संतन के हथा ही कराइंदा. भगत प्रेमी तभी बुधाईंदे खुशी थी थे तो अज एकादशी ढी अज के एकादशी नालो कामदा एकादशी और हि एकादशी पापन के मिटाने वाली ए मोक्ष देने वाली है. उन उपलक्ष्य में जी त लखजीवन गौशाला में हर ग्यारस से कें न कें संत जो गुणी ज्ञानी जो प्रोग्राम होंगे, तो अज
कटनी जहाँ संत मध्य प्रदेश जहाँ संत सतगुरु स्वामी रमेश प्रकाश महाराज अची कर आनंद वो ही संत अड़ा जिन सतगुरु स्वामी देव प्रकाश महाराज जो 75 जन्म उत्सव सजे इंडिया में 75 शहर में मल्हाय सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जो 108 जन्म उत्सव 108 शहर में मल्हाय अड़ा संत अड़न संतन का बलहार वनू संतन के यह प्रार्थना कदम तो सजे उल्लासनगर के मथा सतगुरु महाराज की भगवान कृष्ण की एकादशी कृपा रहे सब वदन वसन। 16 अप्रैल से लेकर 1 जून तक पैशन एकेडमी द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया है, आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। हमारे साथ मौजूद है जानवी मैडम, हम उनसे जानना चाहेंगे इस समर कैंप के बारे में। आप सभी उल्लासनगर वासियों को बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप ही के अपने यानी हमारे अपने उल्लासनगर शहर में हमारा पैशन एकेडमी 3 जगहों पर समर कैंप आयोजित कर रहा है, जो कि आप सभी प्रसिद्ध हमारा एनसीटी स्कूल जानते हैं। हमारे प्रसिद्ध एनसीटी स्कूल में हमारे समर कैंप का टाइम है सवेरे 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। दूसरी जगह पर यानी हमारा फेमस कालानी कॉलेज, एसडीटी कालानी कॉलेज, जो कि सी ब्लॉक रोड पर है, वहां पर एक कैंप का टाइम है शाम को 4 से 8 बजे तक। और हम सभी का अपना स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र, जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी ये कैंप आयोजित किया गया है। वहाँ पर इस कैंप का टाइम है शाम को 4 से 8 बजे तक। तो आप सभी उल्लासनगर वासी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंप का फ़ायदा उठा सकें, इसलिए हम लोगों ने ये कैंप 3 अलग अलग वेन्यूज पर आयोजित किया है। और इस समर कैंप में आप बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज सिखाएंगे? जी, इस कैंप में बहुत सारी एक्टिविटीज सिखाई जाएगी बच्चों को। इट इज़ लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर अंडर वन रूफ, जहाँ पर हम लोगों ने ओपन एंट्री फॉर ऑल रखा है, यानी ये एक ऐसी प्लेस होगी जहाँ पर आपके बच्चों के साथ साथ आप भी आके बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे शहर की मेडिकल कैंप्स, जानकारियाँ और खबरों के साथ अप टू डेट रहने के लिए प्ले स्टोर में जाकर उल्लासनगर टाइप करें और हमारे शहर का उल्लासनगर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। लाड़ी मरिया सियारे एना चाहो ती उठी डॉक्टर खाली देखा रयो रात जो 1 बजे किथे आया डॉक्टर द्रवेन पटे के डॉक्टर नंबर पयो थी तो के मोबाइल में हे निभागो तो के लगे तो सा कदी कमी दो सजोनी व्हाट्सएप और फेसबुक में जिंदगी बर्बाद दस असा मरी वेदा ना पता फोटो गड़ी फेसबुक पे भेजन दे और लाइक और कमेंट दिसी खुश थींदे। अलाड़ी वरी जी पेट में सूर पवा हेडा असाई गाल बुधो किते था एकरो डॉक्टर का नंबर ना रखू धरवेन पुटे अथी कोई नंबर तो वरी ना खा पशु तो के खबर ना बस 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 वेरी है वया आने हाने तमाए कमाए हर एक नंबर मुवट आए केडा आने। डाउनलोड कियो उल्लासनगर जी पेंजी मोबाइल एप्लीकेशन जेमे मिलंदी ताके उल्लासनगर जी मोबाइल डायरी, उल्लासनगर के सभी दुकानन जो मोबाइल नंबर, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, ऑफर्स, इवेंट्स एंड कैंप्स। डाउनलोड किया उल्लासनगर मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर ता। तो बस आज के लिए इतना ही, नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, आपकी आवाज है आपका ही आदेश। जनादेश आपकी आवाज, जनादेश आपकी।